कि आपकी गर्दन भी काली मैली है और आप इसे फेयर और ग्लोई बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि वो हम चेहरे को तो बड़ी आसानी से गोरा बना लेते हैं लेकिन अपनी गर्दन, हाथों और पाँव पर कोई तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी खूबसूरती और भी बदनुमा नजर आती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी अमेजिंग रेमेडी तैयार करने का तरीकाकार बताऊंगा जिससे आप चंद ही दिनों के अंदर अपनी काली मैली गर्दन को फेयर और ग्लोई बना सकते हैं, और इतना तक कि आपकी काली मैली गर्दन आपके चेहरे से भी ज्यादा गोरी नजर आने लगेगी। तो व्यूअर्स, चलिए बना लेते हैं आज की ये अमेजिंग सी रेमेडी। सबसे पहले आपको एक क्लीन बाउल की जरूरत होगी, इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना होगा। उसके बाद सेकंडली आपने इसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका सिर्फ 1 टेबलस्पून डालना होगा, क्योंकि ये वीडियो 2 स्टेप में हमने बनाई है। सबसे पहले तो हम इसका क्लिंजर तैयार कर रहे हैं और दूसरे नंबर पे हम इसके लिए एक पैक तैयार करेंगे। तो व्यूअर्स, अब आप इसे मिक्स कर लें। अब आपने इस पानी को कॉटन बाउल की मदद से या बिल्कुल अपने हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा लगा के इस तरह आपने अपने हाथ को, अपनी नेक को क्लीन करना होगा। इस तरह आप इसे इस तरह रब करते रहें, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर के अंदर ब्लीचिंग एजेंट प्रॉपर्टी होती है जो आपकी मैल को बड़ी आसानी के साथ उतारती है। इस तरह जब आप साफ करेंगे आप देखते जाएंगे कि आपके हाथ के ऊपर शाइनिंग आती जाएगी। इस हाथ की नस्बत और इस हाथ की नस्बत आपको वाजे फर्क नजर आ रहा होगा। इसी तरह आप इसे साफ करें अच्छी तरह से। साफ करने के बाद आप इसे ऐसे ही छोड़कर ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद सेकेंड स्टेप चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले आपको एक क्लीन बाउल की जरूरत होगी। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने ऐड करना है वो है एलोवेरा जेल का, 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लेनी हो। सेकेंडली इसके अंदर आप राइस फ्लोर यानी चावल का आटा 1 टेबलस्पून डालेंगे। तीसरे नंबर पे आप हाफ कटा हुआ लेमन निचोड़ेंगे और लास्ट और फाइनल चीज है एप्पल साइडर विनेगर। आप थोड़ा सा इसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर देंगे। अब कर लेते हैं इसे अच्छी तरह से मिक्सअप। व्यूअर्स, देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह पतली सी है, क्योंकि ये हमारी गर्दन के ऊपर अच्छी तरह से लग जाएगा। अब आपने जब अच्छी तरह से अपनी नेक को, काली मैली गर्दन को क्लीन करना होगा तो डस्ट आपकी गर्दन से उतर जाएगी और इस पैक को आपने अपनी गर्दन के ऊपर लगाते रहना है और रब करते रहना है। मुसलसल 20 से 25 मिनट आपने इसी तरह करते रहना होगा। जब ये 20 मिनट पूरे हो जाए तो आपने इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना होगा और शावर लेना होगा या नहा लें या अपनी गर्दन को किसी भी साबुन से वॉश कर लें। व्यूअर्स, यकीन माने आपको मैं ज्यादा नहीं कहता 6-7 दिन इस्तेमाल करें, सिर्फ एक बार इसे इस्तेमाल करके देखें, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो मैली काली गर्दन होगी आपके चेहरे से भी ज्यादा गोरी नजर आने लगेगी। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की ये होम रेमेडी जो कि इंस्टेंटली ब्लैक नेक को व्हाइट करने के हवाले से थी, आई होप जिन दोस्तों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल उस्मैन सेंटर को सब्सक्राइब करके साथ ही खड़े बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहे। तो फिल वक्त मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली ब्यूटी टिप्स के साथ, अगली होम रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।